वेलकम टू अवर चैनल एम एस पाक यूट्यूब चैनल वैरायटी इन फूड ईवीएस पार्ट फर्स्ट क्लास फोर गिजा में तनु सबक नंबर 6 गिजा में तनु वैरायटी इन फूड। यहाँ पर चावल और चावल से हमारे घर में बनने वाली मुख्तलिफ अशिया जैसे कि रोटी, इडली, चावल। चावल से तीन मुख्तलिफ अशिया यहाँ पर बनाई गई हैं। उसी तरीके से हमारे घर में ये बनाया गया। हमारी जो सहेली है, आपकी जो सहेली और दोस्त, उन्होंने चावल से क्या बनाया? उन्होंने चावल से मोदक और डोसा बनाया। इस तरीके से चावल एक गिज़ाई शय है, लेकिन लोगों ने उस गिज़ा को अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ उसकी चीज़ें बनाई हैं। आपको मालूम हुआ कि बाद वक्त एक ही गिज़ाई चीज़ से मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया तैयार होती है। गिज़ाई अशिया मुख्तलिफ होने के बावजूद उनमें पाए जाने वाले अहम अज़ा एक जैसे होते हैं। ऊपर दी मिसाल में हमने चावल के ज़रिए बनाई गई मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया देखी। अब यहाँ पर आपको भारत का नक्शा नज़र आ रहा है और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रियासतें हैं और मुख्तलिफ रियासतों में यहाँ पर जो गिज़ा है चावल, गेहूँ और ज्वार, तो ये लाल लाल लाइन आपको जो नज़र आ रही है ये रियासतों की है। आप देख सकते हैं कि हमारी रियासत महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो पैदावार वो चावल और ज्वार की होती है और हमारे रियासत के साहली इलाकों पर कुछ हिस्से में चावल उगता है। उसी तरीके से आप गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रियासतों में जो पैदावार है वो मुख्तलिफ है, लेकिन मशरिकी भारत का बेशतर हिस्सा यहाँ पर चावल की पैदावार होती है। तो इस तरीके से हमारे मुल्क एक है, लेकिन हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में गिज़ा मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पर एक फल फरोख करने वाला नज़र आ रहा है, उसके पास मुख्तलिफ किस्म के फल है। हम उससे गुफ्तगू करते हैं, उससे कुछ सवाल करते हैं। सवाल, कौन सा फल साल भर फरोख्त होता है या फरोख्त किए जाते? दूसरा, बरसात में ना मिलने वाले फल कौन से हैं? तीन, गर्मा में कौन सा फल बाजार में मिलते हैं? चार, किस मौसम में फल बहुत ज़्यादा मिलते हैं? पाँच, कौन से मौसम में फल कम मिलते हैं? इस बात पर आपको गौर करना है। फलों की दस्तयाबी मौसम के लिहाज से कम ज़्यादा होती है। मौसम के लिहाज से इनमें फ़र्क पाया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे आपको फल नज़र आ रहे हैं। इन फलों को आप गौर से देखें। नीचे एक टेबल बना हुआ है, इस तरीके का टेबल आपको बनाना है और इन टेबल में तीन मौसमों के नाम लिखे, एक गर्मा, दो बरसात और तीन सर्मा। इन फलों में से आप गर्मा के मौसम में कौन से फल इस्तेमाल करते हैं, बरसात के मौसम में कौन से फल इस्तेमाल करते हैं और सर्मा के मौसम में कौन से फल इस्तेमाल करते हैं, इसकी दर्जाबंदी आपको यहाँ पर करनी है। अब महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मशहूर गिजाई अशिया। अब हम यहाँ पर गौर से देखें तो ये रियासत कर्नाटक, वहाँ पर मैसूर पार्क और इडली बताया जा रहा है। उसके बाद में रियासत तेलंगाना, यहाँ पर कोरी कोरा बिरयानी, मिर्च का सालन। रियासत छत्तीसगढ़, दाल बाफूरी। मध्य प्रदेश, बापला लाशपाती और गुजरात का ढोकला।
हमारा जो ज़िला है अकोला, यहाँ पर बताया जा रहा है ज्वार की रोटी और बाजरे की रोटी, और मुख्तलिफ अज़ला में चावल की रोटी, ज्वार की रोटी, मूंगफली की चटनी, मुख्तलिफ ग़िज़ाई अशिया बताई गई है। आप क्या जानते हैं, पहले मखसूस मौसम में, और आप भी देखते हैं कि कुछ फल ऐसे हैं जो साल भर मिलते हैं। अच्छे बीजों की दस्तियाबी की वजह से भी फल मिलते हैं। दूसरी बात, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले फल और सब्जियां। तीसरी चीज़, नकलो हमल की तेज़ ज़राए की सहूलत। गिज़ाई अशिया में तनु, गिज़ा के लिहाज से गिज़ाई अशिया में तनु होता है, इलाकों के लिहाज से गिज़ाई अशिया में तनु होता है, मौसम के लिहाज से अनाज फलों और सब्जियों की दस्तियाबी, महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासत की मुख्तलिफ गिज़ाई अशिया, ये चीज़ हमने इस सबक में जाना है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बार बार देखें, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपकी खिदमत में जल्दी होगा हाजिर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।